माला जो है, माला देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो हम माला जप करते हैं, और इसके साथ एक बैग भी आता है जिसमें आप बीड बैग बोलते हैं उसको, उसमें आप डाल के माला कर सकते हो। आज मैं प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप माला कर सकते हो। माला करने से सबसे पहले तो आप ये जो बीड है इसको पकड़ के ऐसे इन दोनों उंगली से इसको पकड़ के आप जो पहला मंत्र है हम जपते हैं वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशोदी गौरव भक्त बृंद। ये मंत्र बोल के आपको अपनी माला की जो पहली राउंड है वो शुरू करना है, और पहली राउंड में के पहले ये आपको बोलना है। उसके बाद जब आप दूसरी बार कंटिन्यू करोगे तो नहीं बोलना है। फर्स्ट टाइम शुरू करने से पहले ये वाली जो बीड्स है उसको पकड़ के आपको मंत्र बोलना है, ये वाली बीड्स जो दोनों माला शुरू जो हो रहा है उसके बीच में जो है। उसके बाद आप इस उंगली से और ये वाले उंगली से मिडिल फिंगर से और थंब से ऐसे पकड़ेंगे, एंड पहला जो जप है वो शुरू करेंगे। उसको हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद ये पहले बीट्स अपने कर ली, फिर सेकंड बीट में सेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद थर्ड बीट, फिर फोर्थ बीट, फिर फिफ्थ बीट, ऐसे करके आपको सारे कंटिन्यू करने हैं। पूरा जो 108 बीट्स है कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दोबारा से यही से शुरू करना है, इसी से, ठीक है, इसी से। ये वाले आप नहीं काउंट करोगे सेकेंड टाइम, यहाँ से शुरू करोगे। ये वाले जो है वो फर्स्ट टाइम ही काउंट करोगे जब आप पहली वाली मंत्र जप करोगे। अब बैग में डाल के कैसे कर सकते हो, ये पहले तो आप ऐसे ही करो। उसके बाद जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बैग के अंदर यहाँ से आप इसको इंसर्ट करो, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये जो है यहाँ पे आप इसको पकड़ लो, और यहाँ से एक जो है ये दे रखा है आपको, ठीक है, दिखाते हुए ये आपकी उंगली निकालने के लिए। इसी उंगली को हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये वाली उंगली जो है इससे हम लोगों को पॉइंट आउट करते हैं। ये उंगली को हम नहीं टच करते हैं बीड्स में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकाल देंगे, फिर हम ऐसे हाथ को अंदर कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर ही हम जप करते हैं। एक बार आपको बाहर जप करके आइडिया हो गया फिर आप अंदर कर सकते हैं आराम से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको समझ में आ गया कि आप कैसे माला जप करना है। और ये जप की जो एडवांटेजेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये विधि बताया गया है कि ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ये इसकी राइट वे है माला जप करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।